Assalamu alaikum, sabhi viewers ko one more time. We are having a wonderful person alongside me. मेरे साथ एक ऐसा स्टारा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अपनी जगह पक्की की है. इंडियन अंडर 19 टीम का ये हिस्सा रहे हैं. प्रियांश आर्या इनका नाम है. प्रियांश, सबसे पहले जेके स्पोर्ट्स टाइम की तरफ से आपको खैर मकदम है. थैंक यू. तो प्रियांश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कौन है आपकी इंस्पिरेशन, किसने आपको वो जोश दिया, बलबला दिया कि आपने कहा नहीं मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है? इंस्पिरेशन, मैं बचपन में युवराज सिंह को बहुत फॉलो करता था, तो वही है मेरा इंस्पिरेशन. बचपन से मैं उनको फॉलो करता हूँ. प्रियांश, जब आप लोकल सतह से निकले, क्या आपने कभी ये ख्वाब सजाया था आंखों में कि मैं आगे जा करके इंडिया रिप्रेजेंट करूंगा? लोकल से, जब लोकल में खेलता था तब तो ये था कि लोकल में खेलेंगे, पर जब थोड़ा सा मैं प्रोफेशनली खेलने लगा तो मेरे को था कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और मैंने करा. और जिस वक्त आपको दिल्ली की तरफ से स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिला, उस वक्त कैसे खुशी का समा था घर में, और किस तरह से फैमिली ने बैक किया जब आपकी टीम में, इंडिया टीम में जगह बनी अंडर 19 टीम में, तो उस वक्त आपने कैसा महसूस किया? उस टाइम बहुत सबको खुशी हुई थी, मेरे कोच को, मुझे, मेरे घर वालों को, सब बहुत खुश थे. और मैं भी अपने आप को, सारे घर वाले बैक कर रहे थे कि कोई नहीं, अच्छा करना है ये वो. बस कोई ऐसा कोच बता दीजिए, जैसे आपने कहा कि इंस्पिरेशन युवराज सिंह, कोई ऐसा कोच बता दीजिए कि जिसने आपकी जिंदगी में एक पिवोटल रोल प्ले किया हो, जिसको देखकर आपने कहा नहीं मैंने तमाम एस्पेक्ट्स में सही करना है, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो बैटिंग हो. मेरे कोच संजय भारद्वाज सर है, और मैंने उन्हीं की हर बात मानी है, और वही मेरे इंस्पिरेशन है. और कोई एक ऐसी याद बता दीजिए, जैसे आज आपने JKCL में एक बढ़िया इनिंग्स के लिए 33 गेंद में आपने शतक जड़ा है, कोई ऐसी याद अपनी जिंदगी की शेयर कीजिए, जो आपने अंडर 19 टीम का जब आप हिस्सा थे उस बंच का, उसकी कोई ऐसी याद है जैसे आज आपने यहाँ पर प्रभाव छोड़ा इस पहले मुकाबले में? हाँ, मैंने अपने पहले साल ही दिल्ली टीम के लिए 271 करे थे एक ही इनिंग में, सौराष्ट्र के अगेंस्ट. वही मेरी सबसे अच्छी इनिंग थी. तो आज को जो आज की इनिंग आपने खेली, इसको कहाँ रेट करें, क्योंकि आज आप कश्मीरी लड़कों के साथ खेले, जो लोकल लड़के हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुश्किल वक्त था, मुश्किल कड़ी थी आपके सामने गेंदबाजी करना, क्योंकि आप उच्च सत्र का क्रिकेट खेल चुके हैं. तो कैसा आपने महसूस किया और क्या पाया आपने उनको देखकर उनमें? कश्मीर के पेसर लगभग सब तेज होते हैं, इसीलिए मेरे को मजा आ रहा था खेलने में, और बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट था. तो आज जिस लीग में आप खेल रहे थे JKCL में, किस तरह का विकेट आपको लगा, क्योंकि टर्फ विकेट पर आप तो हमेशा खेलती है, लेकिन वादी के लड़कों के पास बहुत कम टर्फ का मौका मिलता है, तो जिस टर्फ पर आप खेल रहे थे कैसा विकेट था? जैसे दूर से दिखाई दे रहा है कि ये रोड जैसा स्ट्रक्चर है, तो आप कैसा महसूस करें, इस विकेट को कैसे ऑपरेट करेंगे? विकेट बहुत सीधा था, बॉल में कुछ हो नहीं रहा था, ना स्विंग ना स्पिन, आउटफील्ड भी बहुत गीला था, तो बॉलर्स के लिए बहुत टफ था बॉल डालना. तो आखिर पर जब लग रहा था कि मैच फंसा हुआ है, वो क्या रीजन था, क्या गेंद रुक कर आ रही थी उस ड्यू की वजह से, या फिर कुछ और वजह था? नहीं, बॉल थोड़ा लेट जज हो रहा था लाइट्स की वजह से, इसीलिए हम थोड़ा सिंगल डबल पे कंसंट्रेट ज्यादा कर रहे थे. तो एक खिलाड़ी के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, अंडर लाइट्स, जो पहली बार लाइट्स के अंडर खेल रहा होगा, आपका कहना है कि जज नहीं हो पाते, तो अगर पेसर्स खिलाए जाते हैं जिनके पास उमरान जैसे पेसर हो, तो कैसे उनको जज करेंगे अंडर लाइट्स? अंडर लाइट्स लाइट ज्यादा और ग्राउंड में लगवानी पड़ेंगी अगर उमरान जैसे पेसर्स को खेलना है, वरना तो वो अनप्लेबल है. तो आपको ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं कम लाइट्स की फैसिलिटी है. तो मजीद क्या मैसेज रहेगी वादी कश्मीर के लड़कों के लिए, कैसे वो अपने आपको मैटी क्रिकेट से ला करके यहाँ टर्फ पर स्विच एकदम से कर जाएंगे और एक्सेल कर सकते हैं आगे जाकर? मैंने जितने क्रिकेटर्स को देखा है जम्मू एंड कश्मीर के, वो सब कर लेते हैं बहुत अच्छा स्विच, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त भी हैं उधर, कामरान ये सब, तो मैंने देखा है वो आराम से स्विच कर लेते हैं. तो आज जेके स्पोर्ट्स टाइम की बसातत से एक छोटी सी मैसेज अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, कैसे वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ सकते हैं और इंडिया लेवल पर आके कम्पीट कर सकते हैं? बस यही बोलूंगा कि मेहनत करते रहो, चाहे कुछ भी हो, अप एंड डाउन आते रहेंगे लाइफ में, बस अपना मेहनत पे ध्यान दो. चलो, आपने हमारे से बात की, आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू.